अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड सेफ। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सॉल्व आवर एक्सरसाइज 1.3 ऑफ 8th क्लास। ठीक है, द चैप्टर नेम इज ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हम आप लोग थोड़े फेमिलियर हैं कमोटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ठीक है ना, तो इस एक्सरसाइज में हम जो है लॉज को प्रूव करेंगे। ठीक है, लॉज को प्रूव करेंगे और उसके साथ हम उसकी वेन डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यानी कि एक तीसरे दो शिकार हो जाएंगे हम, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर लेंगे और इसी तरह से हम उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि हम उसके वेन डायग्राम की फॉर्म में भी ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट अबाउट द कैलकुलेशन के लॉस को कैसे प्रूव करना है, ठीक है, और अबाउट वेन डायग्राम के हमने डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है, वो दोनों एक ही में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट। क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिया था, क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट पार्ट है इसका कि वेरीफाई द कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, थ्रू वेन डायग्राम, थ्रू वेन डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर फेमिलियर व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ यूनियन। पहले हम यूनियन के साथ प्रूव करेंगे इसको। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन दैट इज ए यूनियन, सॉरी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। टू प्रूव दिस लॉ यू हैव टू प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है, यानी इस लॉ में जस्ट ये होता है कि हम अगर सेट्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो फिर भी सेट्स के आंसर पे या रिजल्टेंट आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता। जिस तरह से हम कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, उसमें भी अगर 1 × 2 है तो उसका आंसर इक्वल होगा 2 × 1 के। ठीक है, अगर हम अंडर एडिशन पढ़ते हैं तो 1 + 2 का आंसर इक्वल होगा 2 + 1 के। तो इसी तरह सेट्स में भी ऑर्डर को चेंज करने पे उसके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे जो है वो प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसको करते हैं। ए यूनियन बी, तो हम ये सेट लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, 13। उसके बाद यूनियन बी सेट 5, 9, 13, 17, 21, 25। ठीक है, अब हम इस पे बच्चों आपने ये स्टेप स्किप नहीं करना। आपने यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यू आर अप्लाइंग द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसका आंसर राइट करेंगे ए यूनियन बी, यानी ऑपरेशन हैज़ बीन अप्लाइड। इन दिस लाइन योर ऑपरेशन इज यू आर अप्लाइंग योर ऑपरेशन एंड द नेक्स्ट जो है आपका आंसर वो शो करेगा कि योर ऑपरेशन हैज़ बिन अप्लाइड। ठीक है, जैसे अब हम यूनियन में, क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट्स जो हैं हम उनको राइट कर देते हैं। यूनियन का मतलब ये होता है टू कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, टू कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स इन अ सिंगल सेट। ठीक है, 3, 5 टू टाइम्स है तो 1 टाइम लिखेंगे, 7, 9, 11, 13 टू टाइम्स है तो 1 टाइम लिखेंगे, 17, 21, 25। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपका ए यूनियन बी का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड को लेंगे, तो राइट हैंड साइड में बी यूनियन ए, तो वो क्या हो जाएगा, बी सेट को पहले लिखेंगे। अब आप बी सेट को पहले लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने प्रूफ ही यही करना है कि ऑर्डर चेंज करने से
उनके आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन ए 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है। तो बी यूनियन ए का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, फिर मैं जो है उसको सीक्वेंस को फॉलो कर लेती हूँ कि ऑर्डर जो है नंबर्स का वो मेंटेन रहे, कि 3 सबसे लेस नंबर है इन बिटवीन दीज टू सेट्स, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 3 फर्स्ट, देन 5, देन 7, देन 9, देन 11, 13, 17, 21, 25, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25. नाउ यू कैन सी दैट राइट हैंड साइड इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इट मीन्स के ए यूनियन बी, इट इज वेरीफाइड दैट इक्वल टू है बी यूनियन ए के। इट मीन्स कि कॉमोटेटिव लॉ जो है आपका ऑफ यूनियन होल्ड्स। Of union holds, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं रेड बॉल पॉइंट यूज कर रही हूँ, ठीक है। वेन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। वेन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले तो आपने जज करना है कि दोनों जो सेट्स आपको गिवन हैं वो आपके कौन से हैं, ओवरलैपिंग हैं, ठीक है। ऑपरेशन तो आपको पता है आपका कौन सा यूनियन का है। सबसे पहले आपने सेट्स को जज करना है कि ये सेट्स कौन से हैं, आइदर दे आर ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट, और वन सेट इज द सबसेट ऑफ द अदर। ये 3 जो है रिलेशंस होते हैं सेट के दरम्यान में। तो अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों के दरम्यान 5, 9 और 13 जो है वो कॉमन है। इट मीन्स के दीज आर द ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। अगर ये डिसजॉइंट होते तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना होते, और अगर एक सेट दूसरे का सबसेट होता तो एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में होते। तो इट मीन्स के दीज आर ओवरलैपिंग सेट्स, दे आर शेयरिंग सम एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स को शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3 ए सेट में है, यहाँ पे इसको एक नाम दे देते, 3 ए सेट में है, ठीक है। 5 जो है वो शेयर कर रहा है दोनों का पार्ट, ठीक है। 7 ए सेट में है, ठीक है। 9 दोनों को शेयर कर रहा है, 11 जो है वो ए सेट में है, और 13 भी दोनों को शेयर कर रहा है। अब यहाँ पे 17, 21, 25, 3, 7, 11, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ए सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बी सेट को देखें, 5, 9, 13, 17, 21, 25, बी सेट कंप्लीट हो गया। ये आपका बी सेट है और ये आपका ए सेट है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब कलर पेंसिल होती है दिस वन, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने अब कलर करना है, आपने कलर किस पार्ट को करना होता है, जो कि हमारे आंसर का पार्ट होता है। तो आपने देखा ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन है, और दोनों केसेस में सेम आंसर हमारे पास है, ठीक है। तो अब मैं उस रीजन को शेड करूंगी जो कि हमारे आंसर का पार्ट है, क्योंकि वेन डायग्राम में हमेशा शेडेड रीजन जो होता है वो आपके रिजल्टेंट आंसर को शो कर रहा है। तो अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की जो है आसानी के लिए ये एलिमेंट्स इस तरह से लिखे जाते हैं सेट्स के अंदर, इसको जर्नली सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अब आपका ये है कि जहाँ पे आपके एलिमेंट्स पड़े हैं उस रीजन को आप शेड कर देंगे। तो अब हमारे एलिमेंट्स कहाँ हैं, 3, 7, 11, ठीक है। 3, 7, 11 दोनों में आ रहे हैं, ए यूनियन बी में भी, बी यूनियन ए में भी। तो अब मैं ये पार्ट भी मेरा कलर होगा, ठीक है, इसको भी मैं शेड करूँगी, ये भी मेरा शेड होगा पार्ट, ठीक है। क्योंकि 5, 9, 13 भी मेरे आंसर का हिस्सा है, ठीक है। और उसके बाद में बी पार्ट को भी आई विल कलर, ओके।
क्योंकि आपका आंसर जो है वो सेम है दोनों केसेस में, तो एक ही वेन डायग्राम आई थिंक इनफ टू ड्रॉ। अगर आप दूसरे भी ड्रॉ करेंगे तो वो सेम ही ड्रॉ होगी, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वेन डायग्राम इज द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेट्स, ठीक है। तो ये आपकी जो है वेन डायग्राम है, ठीक है। वेन डायग्राम में डिटेल जो है मैंने फर्स्ट लेक्चर में सारी बता दी है कि किस तरह सेट्स को जज करना है, कैसे उन पे ऑपरेशन अप्लाई करना है और कैसे उसको करना है, ठीक है। अब हम जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बल्कि इसी का जो है उसने कहा है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को प्रूफ करें, ठीक है। तो अब मैं जो हूँ इसी नी सेट्स के साथ, या हम सेट और ले लेते हैं, ठीक है। हम सेट ले लेते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट्स एन एंड सी, ठीक है। द सेट्स एन एंड सी एक्सरसाइज है हमारी 1.3, ठीक है। चैप्टर है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 1। नाउ वी विल स्टार्ट टू प्रूव कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए सेट, जो सेट्स हैं वो आपका सेकंड पार्ट है गिवन, द सेट्स एन एंड जी, द सेट्स एन एंड जी। तो दीज सेट्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट इन टेबुलर फॉर्म। तो सेट एन को, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कैसे शो करते हैं, 1, 2, 3 सो ऑन, ठीक है। इन्फिनिट सेट है तो सो ऑन की फॉर्म है। जी सेट, क्योंकि ये भी आपका सेट सी जो है वो आपका इंटीजर्स का सेट होता है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख लेती हूँ, इसको दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है, डिपेंड्स ऑन यू इन विच वे यू वांट टू राइट, ठीक है। एन एंड सी, ठीक है, एन एंड सी ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है, और ये इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स के सेट को आप और भी लिख सकते हैं कि 0 ±1 ±2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब टू प्रूफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना पड़ेगा कि n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू है z इंटरसेक्शन n के। इसमें भी यही है कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं सेट्स का तो उनके और उन पे सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उन पे जो रिजल्टेंट आंसर है उस पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले लूंगी, n इंटरसेक्शन z, ठीक है। एन सेट क्या है, 1, 2, 3 सो ऑन, और इंटरसेक्शन जी -3 -2 1 0 1 2 सो ऑन, ठीक है, 3 भी लिख लीजिएगा। अब एन इंटरसेक्शन जी का जो आंसर है क्या होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन मीन्स टू राइट द कॉमन एलिमेंट्स इन द रिजल्टेंट सेट, ठीक है।
कॉमन एलिमेंट्स जो भी इन दोनों के दरमियान में होंगे वो हमारे इंटरसेक्शन में आता है, ठीक है। यूनियन में क्या होता है, टू कंबाइन ऑल एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स, और इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, यानी वो ए में भी हों और बी में भी हों, ठीक है। जबकि यूनियन में क्या होता है, इन ए और इन बी और इन बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे एन इंटरसेक्शन में हमारे कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3 है। बी सेट कंटेन 0 -1 -2 -3, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन एन, दैट्स वाई आई विल राइट ओनली द कॉमन एलिमेंट्स 1 2 3, ठीक है। ये हमारा एन इंटरसेक्शन जी का आंसर होगा। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे कि हम जेड इंटरसेक्शन एन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। इसी सेट को हम पहले लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, और उसके साथ इंटरसेक्शन 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। तो जेड इंटरसेक्शन एन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट्स 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये देखें कि आप देख सकते हैं कि आंसर एन इंटरसेक्शन सी और आंसर जेड इंटरसेक्शन सी दोनों का आंसर सेम। तो इट मींस क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज एन इंटरसेक्शन सी इक्वल है किसके, सी इंटरसेक्शन एन के, ठीक है। इट मींस के लॉ ऑफ कमोटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होल्ड्स ऑन दीज सेट्स, ठीक है। अब हमने इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। वेन डायग्राम हम इसकी ड्रॉ करेंगे, तो वेन डायग्राम के केस में सबसे पहले हम रिक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। आफ्टर ड्रॉइंग द रिक्टेंगल विच रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, we will draw the sets, and first of all we will check that what's the relation between these two sets, ठीक है, and z, and z आपको पता है कि natural numbers का set is a subset of the integers, ये बात आपको पता है क्योंकि natural numbers जो whole numbers जो होते हैं natural numbers होल नंबर्स का भी सुपरसेट हो सॉरी होल नंबर्स का भी सबसेट होते हैं और सेट ऑफ इंटीजर्स का भी सबसेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एन सेट जो है जी सेट जो है वो कंटेन करता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एन सेट, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन एन इज आल्सो कंटेन इन द सेट ऑफ सी, ठीक है। दैट्स वाई एन इज़ अ सबसेट ऑफ जी, और सबसेट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसेट को हम उस सेट के अंदर ड्रॉ करते हैं, ये बात मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हुई है, आप वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते, ठीक है। अब आई विल राइट एलिमेंट्स 1 2 3 सो ऑन, और उसके बाद हम जो है करेंगे इसके एलिमेंट्स 1 2 3 तो इसमें ड्रॉ हो गए, ठीक है, पॉजिटिव एलिमेंट्स तो इसमें ड्रॉ हो जाएंगे। अब जी में रहे कौन से गए, 0 -1 -2 -3 सो ऑन, ठीक है। तो अब हमने शेड करना है, शेडिंग का क्या मेथड होता है कि जहाँ पे आपके रिजल्टेंट सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं उस पार्ट को हमने शेड करना होता है। तो कौन सा वो रीजन है जिसको हम शेड करेंगे, वो रीजन है 1 2 3 एलिमेंट्स कहाँ पे एन सेट के अंदर हैं, तो हम इस रीजन को क्या करेंगे, शेड करेंगे। ये आपका शेडेड रीजन होगा, ठीक ठीक है। ये आपकी वेन डायग्राम होगी विच शोज एन इंटरसेक्शन सी एंड जी इंटरसेक्शन, अगर आप जी इंटरसेक्शन एन की भी वो भी सेम डायग्राम होगी, तो आई थिंक वन टाइम टू ड्रॉ द डायग्राम वन टाइम इज इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लेक्चर का एंड हो गया है, यहाँ पे इस चैप्टर में हमने कॉमोटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और कॉमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो
जो है उनको देखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एसोसिएटिव लॉ करेंगे। एसोसिएटिव लॉ जो है वो थोड़ा आपके लिए न्यू होगा, क्योंकि उसमें थ्री सेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपने टू सेट्स तो प्रीवियस क्लास में भी किए हुए थे, अलबत्ता थ्री सेट्स को टैकल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।